एक बार फॉर्मली बच्चों मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी पढ़ लें। पुट द हेडिंग मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देर आर टू मेथड्स। हम पहले पढ़ेंगे बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज परसेंटेज मेथड, राइट अ कॉम्पोजिशन, टेक प्राइस चिल्ड्रन एंड क्वांटिटी। प्राइस इज 10 एंड क्वांटिटी इज 100। प्राइस गोज अप टू 13 एंड क्वांटिटी गोज अप टू 160। ये जो प्राइस है 10 चिल्ड्रन, इसको आप कोट करिए P1 या P लिख लीजिए और इसे कोट करिए P1। क्वांटिटी को चिल्ड्रन आप लिख दीजिए Q और इसे लिख दीजिए Q1। डन दिस, डन दिस भाई। चलिए लेट्स हैव अ फॉर्मूला टू दिस। द फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबको फॉर्मूला नजर आ रहा है बच्चों? एवरीबडी इज एबल टू सी द फॉर्मूला चलन। चलिए तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। इसको बच्चों दो तरह से डिराइव करके सीखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तैयार सब लोग? रेडी एवरीबडी? चलो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई चिल्ड्रन। ध्यान से सुनिएगा, आपको जो क्वांटिटी यहां पे नजर आ रही है वो 100 और 160 है, करेक्ट? तो फॉर्मूला होगा चिल्ड्रन Q1 माइनस Q होल डिवाइडेड बाय Q होल मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड इट इज P1 माइनस P होल डिवाइडेड बाय P एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मूला विजिबिलिटी इज ओके टू ऑल? फॉर्मूला यस विजिबिलिटी ओके टू ऑल चिल्ड्रन? चलिए तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो 100 100 तो यहीं पे कट जाएगा। Q1 की वैल्यू है चिल्ड्रन 160 माइनस इट इज 100 होल डिवाइडेड बाय 100। P1 की वैल्यू है चिल्ड्रन 13 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय 10। तो इस फॉर्मूले को फर्दर अगर हम एक्सपैंड करके लिखें ठीक से तो इट वुड बी कोटेड लाइक दिस चिल्ड्रन। इट्स डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। कहां से आएगा ध्यान से सुनिएगा, ये कॉम्पोजिशन सबको नजर आ रहा है बच्चों? ये कॉम्पोजिशन बच्चों सबको नजर आ रहा यस है? देयर आफ्टर पीपल मस्ट बी एबल टू सी दिस कॉम्पोजिशन एज वेल चिल्ड्रन। चलिए तो इन कॉम्पोजिशन से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, लेट्स एनालाइज एंड अंडरस्टैंड। ये मिलेगा बच्चों डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। अब क्वेश्चन राइजेस, सर ये डेल्टा क्यू कहां से आया? वेरी सिंपल, डेल्टा क्यू आया बेसिकली क्यू माइनस सॉरी Q1 माइनस क्यू से बच्चों, और P1 माइनस P से यहां पे आएगा डेल्टा P। आई रिपीट चिल्ड्रन, P1 माइनस P से क्या आएगा यहाँ पे? डेल्टा P अपॉन P। फर्दर वी कैन पुट इट एज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय चिल्ड्रन डेल्टा P अपॉन P डिवाइडिंग बाय अ फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाइंग बाय इट्स रेसिप्रोकल मीन्स वन एंड द सेम थिंग। इज इट वेल विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन? लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। बट क्रॉस मल्टीप्लाई करने में एक रिप्लेसमेंट थ्योरी बस अप्लाई करनी है बच्चों, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। इट इज डेल्टा क्यू अपॉन, ये जो आपका क्यू था चिल्ड्रन ये रिप्लेस होकर इधर चला जाएगा और जो डेल्टा पी है राइट साइड में ये रिप्लेस होकर लेफ्ट में आ जाएगा। ऐसा क्यों?
ताकि बच्चे को फॉर्मूला ठीक से याद रहे। तो फाइनल फॉर्मूला बिकम्स व्हाट चिल्ड्रन, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी होल मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी एंड इट इज हाउ मच, 60। डेल्टा पी इज चेंज इन प्राइस, इट इज 3। ओरिजिनल प्राइस इज 10 चिल्ड्रन एंड ओरिजिनल क्वांटिटी इज 100। लेट्स डू द कैलकुलेशन। 0 0 बन गया हीरो, 0 0 बन गया हीरो, 6/3 आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन, आंसर क्या आएगा बच्चों? इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 2। 2 का मतलब बच्चों 1 से ज्यादा या 1 से कम, 1 से ज्यादा। और यहाँ पे डिमांड वाला नाटक भी नहीं है कि आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में, यहाँ आपका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा क्योंकि रिलेशनशिप डायरेक्ट है, डिमांड में इनडायरेक्ट चलता था इसलिए माइनस में आता था। ये बात सबको समझ में आ गई। तो अगर आपको एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, तो आप कैसे समझाएंगे? पहले तो आप इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिख दीजिएगा। इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस, सॉरी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड विद द चेंज इन इट्स प्राइस। फिर उसके बाद आप इस फॉर्मूले को लिख देंगे और फिर इस तरह से आप डेरिवेशन लिखेंगे जरूर और समझाएंगे भी 10 लाइन में। वॉट इट क्लियर? चाहे तो स्टेप्स लिख दीजिए, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। इस तरह से भी आप समझा सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले फॉर्मूला डेफिनेशन के बाद लिख लिया, फिर आप लिखेंगे सो कॉल्ड द अबव इक्वेशन कैन बी फर्दर इंटरप्रेटेड एज। तो फर्स्ट स्टेप में आप ये लिख के दिखा दीजिए, वेयर Q1 इज द न्यू क्वांटिटी एंड Q इज द बेस क्वांटिटी, P1 इज द न्यू प्राइस एंड P इज द बेस प्राइस। गॉट इट क्लियर? सो चेंज इन क्वांटिटी विल बी कैलकुलेटेड एज Q1 माइनस Q एंड चेंज इन प्राइस विल बी कैलकुलेटेड एज P1 माइनस P। सच चेंज विल बी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी एंड ओरिजिनल प्राइस रिस्पेक्टिवली एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, रिजल्टिंग इन टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी चेंज इन इट्स प्राइस। यहां तक आप पहुंच गए, समझ में आ गया? द फॉर्मूला कुड बी फर्दर इंटरप्रेटेड एज, अब आप लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। फर्दर फॉर्मूला कैन बी शोन इन अ मल्टीप्लीकेशन वे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, फुल स्टॉप। अगली बार सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज एज पर द फॉर्मूला आपने लिख दिया, द रिजल्टेंट इज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2, दैट इज मोर देन 1। क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको पता है मोर देन 1 में इट इज मोर इलास्टिक, कि प्राइस में चेंज 30% है बट क्वांटिटी में चेंज 60% है। मार्केट में दाम तो 30% बढ़ा बट हमारे आपके जैसे शॉपकीपर्स कितना ज्यादा बेचने में इंटरेस्टेड हो गए, 60%। तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ने से हम बहुत ज्यादा बेचना चाहते हैं। लॉन्ग पीरियड हुआ बच्चों कि शॉर्ट पीरियड हुआ, कि वेरी शॉर्ट पीरियड हुआ, याद करिए, आपको सिखाया मैंने, प्राइस में चेंज कम क्वांटिटी में चेंज ज्यादा, बताइए बताइए बताइए, शॉर्ट पीरियड है लॉन्ग पीरियड है? चलो इट इज शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में तो प्राइस कितनी भी बढ़ जाती थी हम कोशिश करके भी आउटपुट नहीं उतना ज्यादा बढ़ा पाते थे। यहाँ पे प्राइस में चेंज है 30% का और क्वांटिटी में कितना चेंज है 60%। तो स्मॉलर चेंज इन प्राइस की वजह से यू आर एबल टू एक्सप्लॉइट अ लार्जर आउटपुट, तो मतलब आपने लेबर और कैपिटल को बहुत ज्यादा यूज किया। लगता है लोग रिविजन नहीं कर रहे हैं, फिर पता नहीं मेरे इस वीडियो पे 27-28 व्यूज कहाँ से आ गए, भगवान जाने, मेरे को नहीं पता। चलिए बच्चों से ज्यादा व्यूज थे, खैर समझ में आ गई बात। अब आप इसी फॉर्मूले को आपने जैसे यहां पे अकाउंट फॉर किया, तो इसका एक और मैं आपको दिखा देता हूं मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन। चिल्ड्रन तैयार है? चलिए, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू, पहला तो सो कॉल्ड स्ट्रक्चर एकदम सेम रहेगा, देर इज नो चेंज एट ऑल। चिल्ड्रन क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड, इट इज Q1 माइनस Q होल डिवाइडेड बाय Q इंटू 100 एंड P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। बताइए झटपट फास्ट, Q1 माइनस Q इज 160 माइनस 100 अपॉन 100 होल मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड इट इज 13 माइनस 10 अपॉन 10 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बच्चों 60 अपॉन 100 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 10 इंटू 10, इट इज 60% अपॉन 30%। तो काट पीट के 2% नहीं, 2 आएगा आंसर, इट इज मोर देन 1। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, काम वही कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे आपने एंड तक लिटरल्स को यूज किया और लास्ट में वैल्यू लिखी, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। 3 नंबर में पूछा जाए आंसर तो ऐसे समझा दीजिएगा, 4 और 6 में आए तो ऐसे समझा दीजिएगा, जैसा कस्टमर वैसा सामान वैसी पैकिंग। खोपड़े में बात गई कि नहीं, झटपट लिख लीजिए बच्चों इसको।
एवरीबडी अंडरस्टूड द फर्स्ट मेथड, दैट इज परसेंटेज मेथड? कोई क्वेरी यहाँ पे किसी की? समझ में आ गया? यस सर। चलिए, सो दिस वॉज परसेंटेज मेथड। चलन, लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड मेथड। एंड वॉट इज द सेकेंड मेथड चिल्ड्रन? राइट डाउन इन योर कॉपीज, सेकेंड मेथड लिखना स्टार्ट करिए चिल्ड्रन, सेकेंड मेथड लिखना स्टार्ट करिए। ज्योमेट्रिक मेथड, कौन सा मेथड चिल्ड्रन? ज्योमेट्रिक। अब ज्योमेट्रिक मेथड में चिल्ड्रन देर इज अ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि मेरे को आता नहीं पढ़ाना, प्रॉब्लम इज दिस कि मैं आपको 5 डिग्रीज बता दूंगा बट आपकी बुक में शायद आपको 3 ही मिलेंगी, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनलास्टिक गायब है, क्योंकि उसको ये बोल के ऑथर ने निग्लेक्ट किया है कि रेयर अमंग द रेयरेस्ट है। ये बात कुछ हद तक तो ठीक लगती है बट ऐसा जरूरी नहीं है। चल रहे, तैयार है सब लोग? चलिए, तो यहां पे आप एक सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए चिल्ड्रन, सबसे पहले आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू चिल्ड्रन, लिख दिया था। अभी इसके पैरामीटर्स को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने कौन सी 5 डिग्रीज पढ़ी थी चिल्ड्रन। व्हाट वाज द फर्स्ट डिग्री? परफेक्टली, चलिए इन इलास्टिक लिख देते हैं। अब इन इलास्टिक लिख चुका हूं, मिटवाइए मत इसको। दूसरी डिग्री आपने कौन सी पढ़ी थी बच्चों? रेयरली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड चलन? चलिए, तीसरी डिग्री आपने कौन सी पढ़ी थी बच्चों? इट वॉज यूनिटरी इलास्टिक। चलिए, और चौथी डिग्री आपने कौन सी पढ़ी थी चलन? कोई भी नहीं पढ़ी थी, सिंपली कॉलिंग इट एज इलास्टिक या मोर इलास्टिक या रिलेटिवली मोर इलास्टिक, ये पढ़ा था चलन आंसर। और फिफ्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? व्हाट वाज द फिफ्थ पॉइंट दैट वी डिड चलन? चलिए, तो फिफ्थ वाज इन इलास्टिक, आप बोल सकते हैं इसको, यू कैन कॉल इट एज लेस इलास्टिक और रिलेटिवली लेस इलास्टिक। पांचों डिग्रीज के नाम सबको समझ में आ गए बच्चों? चलिए, इसको फिफ्थ नेम कर देते हैं। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स ऑन दिस? ये बात सबको क्लियर होगी बच्चों? चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको कैसे मिलेगा। आप भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं चिल्ड्रन, द वे आई हैव नोटेड इट डाउन। रेडी एवरीबडी? चलिए, एकदम आसान कॉम्पोजिशन है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना। इफ आई से दैट अ सेलर विल बी विलिंग टू सेल फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस बढ़े या घटे बट सेलर वुड बी विलिंग टू सेल सेम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। आपको पैरेलल टू वाई एक्सिस नजर आ रहा है स्लोप चिल्ड्रन? पैरेलल टू वाई एक्सिस नजर आ रहा है? तो क्वांटिटी सप्लाइड वुड बी 100, प्राइस चाहे पी हो, चाहे P1 हो, चाहे P2 हो, कुछ भी प्राइस हो, क्वांटिटी सप्लाइड वुड रिमेन एग्जैक्टली सेम चिल्ड्रन। तो दिस इज द केस व्हेन वी से दैट मार्केट में कुछ भी प्राइस हो मोनालिसा की पेंटिंग का, ज्यादा हो कम हो, क्या मोनालिसा की पेंटिंग एक से ज्यादा हो सकती है चिल्ड्रन? नो, क्वांटिटी इज फिक्स्ड। तो परफेक्टली इलास्टिक इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? एंटीक्स, सॉरी इन इलास्टिक, इन केस ऑफ ग्रोन क्रॉप्स। ग्रोन क्रॉप्स का मतलब जानते हैं लोग कि भाई जो फसल उग चुकी है बाजार में उसका प्राइस कितना भी बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट्स क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज्ड। तो यहां पे आपकी जो इलास्टिसिटी होगी चिल्ड्रन दैट वुड बी परफेक्टली इन इलास्टिक। तो मैंने बोला था आप इसको 3 बार पढ़ेंगे, एक बार हमने इसको वेरी शॉर्ट पीरियड में पढ़ा था सप्लाई के केस में, एक बार हमने इसको परसेंटेज मेथड में पढ़ा था
और आज हम इसको फिर से ज्योमेट्रिक मेथड में भी पढ़ रहे हैं। कितना फंडामेंटल समझ में आ गया? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर विद दिस चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू फर्दर विद दिस। मार्केट में प्राइस विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी। रेलवे टिकट की बात कर लीजिए चिल्ड्रन, कितनी भी टिकट्स लोग एक पर्टिकुलर ट्रेन में खरीद लें, क्या गवर्नमेंट हर ट्रेन में रूल अप्लाई करेगी कि अगर लोग ज्यादा टिकट खरीदने आ गए तो चलो प्राइस बढ़ा दो, और अगर कम टिकट खरीद रहे हैं तो चलो प्राइस घटा दो? क्या सोशलिस्टिक वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट ऐसी बेवकूफियां करेगी? बिल्कुल नहीं। इस बार तो कोलेशन बन रही है, अगली बार क्या पता जमानत भी जब्त हो जाए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अंडरस्टूड चिल्ड्रन, योर प्राइस विल रिमेन फिक्स्ड। आई रिपीट चिल्ड्रन, योर प्राइस विल रिमेन फिक्स्ड, क्वांटिटी कुड बी क्यू क्यू वन एंड क्यू टू। दिस इज कॉल्ड एज इट इज सो कॉल्ड व्हाट चिल्ड्रन? परफेक्टली इलास्टिक। इनफाइनाइट क्वांटिटी कुड बी सोल्ड एट अ गिवन प्राइस और अबव इट। थोड़ा सा भी दाम कम होगा, सेलर कहेगा जय माता दी, मैं जा रहा हूं ये बाजार छोड़ के, मेरे को अब इस बाजार में बिजनेस करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लीस्ट प्रॉफिट पर बिजनेस कर रहा था। सेलिंग माई कमोडिटी एट अ प्राइस एनीथिंग लेस देन ओपी विल मेक मी सफर लॉस। तो इस पे जितना खरीदना है, ज्यादा पे खरीदना है, बेचने को तैयार हूं, बट थोड़ा सा भी दाम गिरेगा तो मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। कुशल कपूर जी गुड मॉर्निंग, सबको ये बात समझ में आ गई? सबको ये बात समझ में आ गई? क्लियरली अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलें आगे बच्चों, चलें आगे। चलिए तो ये दो कंडीशंस बच्चों रेयर अमंग द रेयरेस्ट हैं, आपकी बुक्स में शायद ही आपको ये कंडीशंस मिले। समझ में आ गया? रेयर है, रीजन बीइंग कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेलर कितना सामान बेचेगा, कुछ दिन बेचेगा, हमेशा नहीं बेचेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसको इंसेंटिव एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तो बेचारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कहां पे करेगा। तो ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के माइल्ड इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को, जो देश में तरक्की ला सकता है, उसके अगेंस्ट चला जा रहा है। तो अगर मैं वही फीस आज चार्ज करूं जो 10 साल पहले चार्ज कर रहा था, वेयर एज इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के सारे खर्चे बढ़ गए। अच्छा सर, सब लोग एक ही प्राइस पे कमोडिटी बेचते रहे तो देश तरक्की कहां से करेगा, प्रॉफिट मेकिंग कहां से होगी? तो कभी कोई भी कंट्री डेवलप कर ही नहीं सकती। थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, लोग बोरो करेंगे, इकोनॉमी चलती जाएगी। नहीं समझे इस बात को? समझ में आ गया? चलें आगे। तो दीज टू आर द रेयर अमंग द रेयरेस्ट कंडीशंस। आपकी बुक में शायद बच्चों आपको ये तीन तो मिल जाएंगी, बट ये दो कंडीशंस नहीं मिलेंगी। कोई क्वेरी यहां तक किसी की? गीतिका जी, नमन जी, तुषार जी, पपकी जी, पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी क्वेरी? पक्का बच्चों? चलूं आगे, नो सर। आते हैं यूनिटरी इलास्टिक पे। थोड़ी सी खतरनाक कंडीशन है बच्चों। सर क्या खतरा है? सर हम खतरों के खिलाड़ी हैं। हाँ वो तो मेरे को पता है, लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, बट सो कॉल्ड कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस? ऐसा नहीं कि समझ में ही ना आए आपको, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। दिस इज द वाई एक्सेस ओरिजिन एंड एक्स एक्सेस। कितना समझ में आ गया बच्चों? सप्लाई कर्व जनरली इन इलास्टिक होगा तो पैरेलल टू विच एक्सेस होगा? वाई। और अगर इलास्टिक होगा तो पैरेलल टू एक्स। बट ये तो इसका सो कॉल्ड एक इररेगुलर, आप बोल सकते हैं रेयर कंडीशन है। हर इंसान मोनालिसा की पेंटिंग तो नहीं बेचेगा ना। तो जनरली सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग होता है, चाहे वो यूनिटरी में हो, चाहे वो इनइलास्टिक में हो, चाहे इलास्टिक में। तो मैं एक सप्लाई का स्लोप बनाने जा रहा हूं। तैयार है इसको देखने को बच्चों? एवरीबडी एवरीबडी चलन पक्का? चलिए आप नहीं बनाएंगे अभी, क्योंकि मैं इसमें ट्रिक सिखाऊंगा आपको, और आप अगर बिना ट्रिक सीखे बना देंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। पॉइंट के इज विजिबल चिल्ड्रन, इस पॉइंट पे आपका मन है इलास्टिसिटी मेजर करने का। तो सर कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहले इस पॉइंट पे जानिए व्हाट इज योर क्वांटिटी सप्लाइड एंड व्हाट इज योर प्राइस। तो प्राइस आएगी बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज ओ पी, एंड क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी? ओ क्यू। इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? आपने कभी किसी गैया की पूंछ खींची है? अगर नहीं खींची तो मैं आज सिखा देता हूं। गैया की पूंछ खींचेंगे तो क्या होगा? सर वो पीछे आ जाएगी, वो उतना ही पीछे आएगी जितनी आपकी कोहनी पीछे जाएगी। इज दैट क्लियर? और अगर आप ऐसे से हिला दिए तो लात भी मार देगी गैया। तो गैया से अगर लात नहीं खानी है तो पूंछ को एकदम सीधी खींचिए, और कहां टच करे वो? ओरिजिन को। सुनाई पड़ी बात चलन? तो मैं पूंछ को पीछे लेके आ रहा हूं, और आप देखिएगा ये पूंछ
कहाँ पे टच करती है। खैर मैंने तो खेल ऐसा रचा दिया है कि ये ओरिजिन पे ही टच करेगी। चल रही, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं सीधी पूंछ बनानी भी जानता हूँ। चलिए, बच्चे कहेंगे सर ये तो बेईमानी हो रही है, यहाँ सरकार बन रही है बेईमानी से, आप लोग कह रहे हैं पूंछ में बेईमानी हो रही है। चलिए बच्चों, तो भाई बेईमानी थोड़ी सी करनी पड़ेगी। चलिए, बन गई डैश लाइन चलना, डैश लाइन बन गई, डैश लाइन बन गई भाई। तो सप्लाई कर्व आपने सबसे पहले ड्रॉ किया, जब आप उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे वो कहां पे आकर, जब भी मेट बोल रहा है चिल्ड्रन ओरिजिन, इसको बोलेंगे ओ ए। क्या बोलेंगे? ओ ए। ओ ए मतलब सर क्वांटिटी सप्लाइड इज ओ क्यू, क्वांटिटी सप्लाइड इज ओ क्यू, और जहां पे ओरिजिन पे टच किया तो लाइन सेगमेंट बना ए क्यू। आई रिपीट, लाइन सेगमेंट क्या बना? ए क्यू। ए क्यू। इतना समझ में आ गया? मैं अगर आपसे ओ क्यू की लेंथ पूछूं और ए क्यू की लेंथ पूछूं तो इट इज सेम और डिफरेंट? कैसे डिफरेंट होगी? मैथ सप्लाई करिए, ओ क्यू की लेंथ और ए क्यू की लेंथ डिफरेंट हो जाएगी? इट इज एग्जैक्टली सेम, इट इज एग्जैक्टली सेम। समझ में आ गया कुशल जी को? बहुत भयंकर नींद आ रही है, कोई ऑनलाइन वाले बच्चे तो 20 हो गए भाई। चलिए, तो ओ क्यू और ए क्यू की लेंथ एकदम सेम होगी। गीतिका जी, नमन जी, तुषा जी, वासु जी, ये बात समझ गए भाई सब लोग? पीपल ऑन द हॉट सीट यस सर। एक्सेप्ट दोज हु आर स्लीपिंग, समझ गए? तो ए क्यू और ओ क्यू की लेंथ एकदम सेम होगी। तो बच्चों अगर मैं ओ क्यू को डिवाइड कर दूं ए क्यू से, या ए क्यू को डिवाइड कर दूं ओ क्यू से, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1। और याद करिए, वीर बहादुर सिंह को याद नहीं करना आपको, इलास्टिसिटी 1 किस केस में आती थी चिल्ड्रन? यूनिटरी इलास्टिक के केस में इट यूज टू बी 1। समझ में आ गया? मैंने जानबूझ के यहां पे भी इक्वेशन नहीं लिखी है बच्चों, क्योंकि मैं आपको डिराइव करके दिखाना चाहता हूं इक्वेशन को। ये सबको समझ में आ गया? चलिए, तो अगर आपने एक सप्लाई कर्व बनाया, स्लोप बनाया अपवर्ड राइजिंग, पीछे से पूंछ खींची और पूंछ ओरिजिन पे टच कर गई, तो यू विल बी कॉलिंग दैट फिनोमेना एज व्हाट? यूनिटरी इलास्टिक। मैं नहीं बोल रहा हूं, इसका एक्सपेरिमेंट मैंने आपको परसेंटेज मेथड में लास्ट लेक्चर में दिखाया था और बताया था बच्चों कि ये बेस होगा किस मेथड के लिए? ज्योमेट्रिक के लिए। तो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो, हमने चेंज इन प्राइस ओपी से OP1, चेंज इन क्वांटिटी OQ से OQ1 बराबर से 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर किया था, और फिर हमने सप्लाई का स्लोप बनाया और ये बोला था अगर इसको पीछे खींचे तो कहां टच करेगा? ओरिजिन को। तो वहां पे मैंने पूछा था कि भाई आपके पापा के बच्चों का नाम क्या है, तो आपने अपना नाम बताया। आज मैं पूछ रहा हूं आपका नाम क्या है, आपसे तो बेमानी हो गई। अरे आंसर वही है, सिर्फ क्वेश्चन पलटा है। ओके, तो जब आप ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ते हैं तो एक फ्री हैंड सप्लाई स्लोप बनाते हैं, पीछे की तरफ खींच लेते हैं उसको, ओरिजिन पे टच कर गया तो इट इज यूनिटरी इलास्टिक, एक्स इंटरसेप्ट पे टच किया तो इट इज इनइलास्टिक, और वाई को फड़ता हुआ निकल गया, हाइपरमेट्रोपिया बन गया, लॉन्ग साइटेडनेस शॉर्ट साइटेडनेस पीछे इमेज बनी तो इट इज मोर इलास्टिक। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो वही डेरिवेशन यहां पे यूज किया जा रहा है। याद आ रहा है वो डेरिवेशन की नहीं? पक्का? चलिए आते हैं बच्चों अपने अगले फिनोमेना में। एंड नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज व्हाट चिल्ड्रन? इन इलास्टिक। बनाने को तैयार हैं चिल्ड्रन? बनाने को तैयार हैं? चलिए लेट स्टार्ट, लेट स्टार्ट। सबसे डिफिकल्ट बच्चों इलास्टिक वाला ही होता है, यूनिटरी इलास्टिक वाला। कहने का मतलब वाई ओरिजिन एक्स। यहां पे सर क्या करना है? वही जो अभी तक करते आ रहे थे, एक सप्लाई का स्लोप बना देना है। आई रिपीट चल, डब्बा नहीं जाहिर लोग डब्बा पहले बनाते हैं, डब्बे होते हैं वो डब्बा पहले बनाते हैं, स्टूडेंट्स पहले सप्लाई स्लोप ही बनाएंगे। किस पॉइंट पे मेजर करना है सर? जिस पॉइंट पे आप कह देंगे उस पॉइंट पे मेजर करा देंगे। पॉइंट के पॉइंट पे व्हाट इज योर क्वांटिटी सप्लाइड? इट्स ओ क्यू। एंड व्हाट इज योर प्राइस चिल्ड्रन? ओ पी। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें। अगर मैं इस गैया की पूंछ खींच दूं चिल्ड्रन, कहां पे टच करेगी? एक्सेप्ट एक्स इंटरसेप्ट पे। कहां पे टच करेगी? एक्स इंटरसेप्ट पे। रेडी गैया की पूंछ खींचने को तैयार? चलिए, तो थोड़ी सी बेमानी, आई होप सो लोग इस बेमानी मेरा साथ दे देंगे। जो कहावत है ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चलिए डैश बन गया बच्चों, सर। डैश आ गया। चलिए मार्क कर लीजिए यहां पे पॉइंट
ए, क्या मार्क किया? इतना काम कंप्लीट करिए बच्चों, दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें बच्चों, इनलास्टिक का आंसर क्या होता है? लेस देन वन की मोर देन वन? लेस वेरी गुड। अब अगर आपको डिवीजन में आंसर को लेस देन वन लाना है तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। आई रिपीट चलन, अगर आपको आंसर लेस देन वन लाना है तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए और न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? देन। अब कहानी यह है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है यहां पे? ओके ओ क्यू। और छोटी वैल्यू कौन सी है? ओ ए। गाना मत गाइएगा त्रिदेव मुगा, ओए ओए। चलिए तो छोटी वैल्यू कौन सी है बच्चों, बताइए फिर से। ओ ए। और बड़ी वैल्यू कौन सी है? ओ क्यू। आई रिपीट चलन, बड़ी वैल्यू कौन सी है? ओ क्यू। अब मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, मेरे को आज तक बच्चों इक्वेशन नहीं याद हो पाई, आज तक नहीं याद हो पाई। हर दिन कोशिश करता हूं याद करने की, भूल जाता हूं, याद ही नहीं हो पाती है, पता नहीं क्यों, भगवान जाने। तो ऐसे ही समझा हुआ है देखिए, इसीलिए जब बराबर था मैंने आपको लिख के बताया, मेरे खुद नहीं याद है इक्वेशन। यहाँ पे पता आंसर लेस देन वन है, तो लेस देन वन कब आएगा? जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। तो छोटा क्या है यहाँ पे? ओ ए। और बड़ा क्या है? ओ क्यू। सर ए क्यू ले लें? अरे ए क्यू कुछ नहीं होता है। तो ओ क्यू इज क्वांटिटी सप्लाइड एंड ओ ए इज हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट। यार हाँ ऊपर बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट। समझ में आ गया बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय चिल्ड्रन व्हाट क्वांटिटी सप्लाइड। खोपड़े में बात गई, दिस इज द फॉर्मूला बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। समझ में आ गया? और ऐसे भी याद कर लीजिए, पैरेलल टू वाई है तो इनलास्टिक परफेक्टली, एक्स है तो परफेक्टली इलास्टिक, खींचा पूंछ पीछे ओरिजिन टच कर गया तो यूनिटरी इलास्टिक, एक्स इंटरसेप्ट पे टच कर गया तो इनलास्टिक। और ये फाड़ के निकल जाएगा पीछे तो क्या होगा चिल्ड्रन? इलास्टिक। तैयार है बच्चों? चलिए इसी के साथ आज की क्लास हो जाएगी हमारी समाप्त। स्टार्ट करें बच्चों, ये थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया स्टाइल। चलिए समझ गए बच्चों? समझ गए भाई? वाई एक्स डैश ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस। सर कहाँ पे इलास्टिसिटी मेजर करनी है? बिल्कुल चिंता और परेशानी की बात नहीं है, सो कॉल्ड मार्क कर लीजिए पॉइंट के। समझ में आ गया पॉइंट के? चलो चलिए लेट्स मार्कअप दिस। दिस इज ओ क्यू। ओ क्यू बोले तो बच्चों क्वांटिटी सप्लाइड एंड इट इज ओ पी। गैया की पूंछ खींचने को तैयार सब लोग? सर चलिए थोड़ा सा बेमानी मेरा साथ दीजिएगा। की मैं थोड़ा और पीछे तक लाना चाहता हूँ। चलिए आ गया बच्चों, जहां पे ये टच करेगा उसे क्या मार्क करेंगे आप? ए क्यू। व्हाट? ए क्यू। समझ में आ गया? तो ए क्यू इज व्हाट चिल्ड्रन? बड़ी वैल्यू है और ओ क्यू छोटी वैल्यू है। नहीं समझे बात को? ए क्यू इज अ बिगर वैल्यू एंड ओ क्यू इज अ स्मॉलर वैल्यू। तो आंसर आपका क्या आएगा बच्चों? मोर देन वन। मोर देन वन। तो फिर तो ऊपर हमें उधर एक भी लेना चाहिए हाँ था उधर ए क्यू ये। लेना चाहिए था, मैंने गलती से यहाँ पे ओ ए लिख दिया था। चिल्ड्रन इसको जरा ठीक कर दूं आपके लिए, जस्ट स्लिप ऑफ अ टंग। चलिए ए क्यू मार्क कर लीजिए बच्चों, मार्क दैट एज ए क्यू। ठीक है सबने? ए क्यू। खोपड़े में बात गई, फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं सबको बच्चों? क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। खोपड़े में बात गई चलन। और ये हाइपरमेट्रोपी और मायोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस शॉर्ट साइटेडनेस आपने पढ़ा होगा, तो ये था ना, इमेज पीछे जाके बनती है तो आगे कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर वगैरह वगैरह लगाना पड़ता है। समझ में आ गई बात बच्चों? यस तो सर। दिस इज ज्योमेट्रिक मेथड। तो आईएससी की बुक्स में तो ये डेरिवेशन है, अगर आप सीयूटी के लिए इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसे याद रखना है, पैरेलल टू वाई है तो परफेक्टली इलास्टिक, पैरेलल टू एक्स है तो परफेक्टली इलास्टिक,
बैकवर्ड एक्सटेंडेड टचेज द ओरिजिन यूनिटरी इलास्टिक, बैकवर्ड एक्सटेंडेड टचेज द एक्स एक्सिस यूनिटरी इलास्टिक, बैकवर्ड एक्सटेंडेड टचेज द और इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस इट इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक। समझ गए सब लोग पक्का? नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स और इलास्टिसिटी का राम राम सत्य।